मध्य प्रदेश में डायरिया का कहर। अनूपपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। खंडवा में एक की मौत की 80 लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया कैंप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम डायरिया के प्रकोप की। जी हां, मौसम बदल रहा है और इस बदलाव भरे मौसम में बीमारियां लोगों के घरों का रुख करने लगी हैं। अब खासकर डायरिया ने पूरे मध्य प्रदेश में अपना कहर ढाया हुआ है। एमपी में डायरिया के मामलों ने सबको हिलाकर रख दिया है। गांव गांव लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। दूषित पानी और खाने के चलते डायरिया लगातार फैल रहा है। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में डायरिया ने अपना प्रकोप दिखाना भी शुरू कर दिया है। गांव शहर डायरिया का कहर। डायरिया दे रहा घर घर दस्तक। मध्य प्रदेश में जानलेवा हो रहा डायरिया। बारिश का मौसम आने के बाद से बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। खासकर डायरिया ने गांव देहात में कहर ढाया हुआ है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य हो रहा है वो है मध्य प्रदेश, जहां डायरिया लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि डायरिया लगातार लोगों की जान निगल रहा है। डायरिया के दंश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनूपपुर की, जहां एक ही परिवार में चार लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां मां बेटा, बहू और 8 महीने की भ्रूण की मौत डायरिया की चपेट में आने से हो गई है, तो वहीं अन्य चार लोगों को गंभीर रूप से डायरिया ग्रसित होने पर रेफर किया गया है। बैगा जनजाति निवास वाले इस स्थान पर ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और ना ही इन्हें सुगमता से इलाज मुहैया होता है। यही वजह है हर साल 50 से ज्यादा जान डायरिया, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। और चले सीधे आपको लिए चलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं।